हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन में डिवीज़न कैसे करते हैं एंड रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या होता है, ठीक है। और ये जो हम लोग जब सीख लेंगे तो हमें ये एक्सरसाइज 8D जूनियर मैथ्स बुक का आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रेसिप्रोकल, बिकॉज इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस रेसिप्रोकल यू कैन नॉट डू द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है ना, जैसे फ्रैक्शन में 2/3 है, हाँ 2/3 है, तो इसके डिजिट्स यानी दिस वन इज न्यूमिरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर, तो एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज मीन्स आता है ना समझ में, ये जो 3 एज अ डेनोमिनेटर इसे न्यूमरेटर में पुट कर दिया और 2 को डेनोमिनेटर में पुट कर दिया, ठीक है ना। बस इंटरचेंज कर देने डिजिट्स को, क्या कर देने, इंटरचेंज मीन्स न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर, एक्सचेंज, ओके। चलिए जैसे मान लीजिए अगर आपका लिखा है 5/9, ओके 5/9, तो वॉट यू विल डू, इसका रेसिप्रोकल समवन विल आस्क यू व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 5/9, तो व्हाट यू विल डू, विल जस्ट सिंपली उल्टा कर दो, चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, 9 जो डेनोमिनेटर था यहाँ न्यूमिरेटर और इस 5 को डेनोमिनेटर, बस है ना, इजी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे ये हमारा डिवीज़न में हेल्प करता है, तो लेकिन उससे पहले हम रेसिप्रोकल ऑफ नंबर और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ओके। देखो लिखा है वो राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ, वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दीज फ्रैक्शंस, ओके। हमें इन सारे फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल लिखने हैं, ओके। एक और यहाँ पे ऐड कर दे 1 का, ओके। चलो देखो 5/9 व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल, 9/5, जस्ट इंटरचेंज द डिजिट, जो डेनोमिनेटर में है उसे न्यूमिरेटर में, जो न्यूमिरेटर में उसे डेनोमिनेटर में, ओके। नाउ दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, ओके। व्हाट विल बी देन, 3 × 4 12 प्लस 1 13/4, ओके। नाउ इंटरचेंज इट्स डिजिट फॉर मेकिंग इट इन रेसिप्रोकल, 4/13, क्लियर। इसे चेंज किया, वी गॉट 13/4, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंटरचेंज द डिजिट, 4 न्यूमिरेटर डेनोमिनेटर, तो इसे न्यूमिरेटर में कर दिया, 13 डेनोमिनेटर। नाउ 10 है, 10 के नीचे डेनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो भाई नहीं है तो हम अपने से तो 1 मान सकते हैं ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर डेनोमिनेटर नहीं है और आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो पुट 1 एज अ डेनोमिनेटर, ठीक है। 1 एज अ 10 था, 1 एज अ डेनोमिनेटर पुट कर दिया, डन। नाउ कैन यू मेक द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 1/10, ओके। नाउ अगेन दिस इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, 4 × 7 28 प्लस 1 29, विल गेट 29/7, विल मल्टीप्लाई दिस वन बाय दिस, 28 प्लस 1 29/7, नाउ कन्वर्ट दिस, तो 7/29, क्लियर। नाउ व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 1, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 विल बी 1, बिकॉज इफ यू पुट दिस हियर 1, तो 1 एक्सचेंज भी हो गया, तो 1/1 है ना, तो क्या हो गया 1, तो सिंपल सा वी कैन राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 1 विल बी 1, ये सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, 1 का रेसिप्रोकल 1, क्लियर, ओके। हियर 1/2 का रेसिप्रोकल, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, तो व्हाट वी विल डू, 2/1 है ना, डेनोमिनेटर जो था यहाँ पे न्यूमिरेटर हो गया, ये जो न्यूमिरेटर था यहाँ डेनोमिनेटर, और सिंपली अगर नीचे डेनोमिनेटर में 1 आ जाए तो सिंपल सा इसे हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक एक और देखिए 1/3, ओके 1/3, सिंपल सा आप 3 से लिख सकते हो, 3/1 या सिंपल सा 3, 1/3 को 3 लिख सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू डिवाइडिंग फ्रैक्शन, अब यही रेसिप्रोकल आपको हेल्प करेगा। रेसिप्रोकल लिखना आ जाए किसी भी नंबर का, तो बस किसी भी फ्रैक्शन नंबर का आप रेसिप्रोकल आ जाए तो एक्सचेंज कर दीजिए डिजिट, बस यही था। अब देखिए यहाँ पे डिवीज़न करना है, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड हमें करना, तो क्या करते हैं, जैसे लिखा फाइंड 5/7 ऑफ 25, ध्यान से समझिएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 5/7 को लिख देंगे,
जिसे डिवाइड करना है उससे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। अब क्या करना है, ये जो डिवीज़न था वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज हो जाएगा, एंड ये 25 है तो 25 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1, तो इधर वाले जिससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी जो डिवाइज़र होगा वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, मीन्स 1/25। ये सिंपल सा 25 था तो 25 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल जब हुआ तो 1/25, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। जिससे डिवाइड करते हैं उसके साथ कुछ भी नहीं, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, कब, जब इसे हम रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे, इसे रेसिप्रोकल में, जिस डिवाइजर को रेसिप्रोकल में चेंज कर देना। ओके, नाउ टेल मी, 1 से 5 और 7 डिविजिबल नहीं है, 1/25 डिविजिबल नहीं, तो 5 के टेबल से ये 25 तो 5 टाइम में डिविजिबल है ना। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 1 × 1 गेट 1, 7 × 5 = 35, क्लियर। नाउ सी दिस वन, बी नंबर 49/7/9। ओके, तो व्हाट वी हैव टू डू, इधर वाले से कुछ भी नहीं, जैसे है वैसे लिखेंगे, ये साइन चेंज हो जाना है इनटू में, एंड दिस विल, वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू रेसिप्रोकल यानी 9/7, ठीक है। बात ध्यान से सुनना, इधर वाले से कुछ भी नहीं, ये साइन चेंज होकर मल्टीप्लाई में क्यों हुआ, इसे रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ टेल मी, 7 के टेबल से 49 कितनी बार में डिविजिबल है, 7 टाइम में। नाउ कैन वी मल्टीप्लाई द 7 × 9, विल गेट 63, क्लियर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, वी कैन सी हियर बोथ द डिवाइड दिस, ओके, तो हियर बोथ आर द, बोथ फ्रैक्शन आर मिक्स फ्रैक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर। ओके, तो 5 × 2 = 10+1 = 11/2 डिवाइड करने, गिव द साइन ऑफ डिविजन। नाउ 2 × 3 = 6 + 2 = 8 / 3, क्लियर। नाउ वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू डिवीजन, सो डिविडेंट विल नॉट डू एनीथिंग विद दिस डिविडेंट, ओके ना, 11/2 लेट इट बी। नाउ विल कन्वर्ट, चेंज दिस साइन डिविजन, तो विल गिव योर मल्टीप्लीकेशन साइन, क्यों, क्योंकि इसे हमने रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया, 3/8, इट वॉज 8/3, वी विल कन्वर्ट दिस इंटू 3/8। नाउ टेल मी, इज इट डिविजिबल, क्या 2 से 11 का डिविजिबल है, क्या 3 से ये डिविजिबल है, क्या 2 और 3 डिविजिबल है, नो, क्या 11 और ये डिविजिबल है, नहीं, तो वॉट वी विल डू, विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, 11 × 3 = 33 एंड 8 × 2 = 16, 8 × 2 डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से 16, अच्छा इससे हम मिक्स्ड है, इम्प्रॉपर है, आंसर क्या है, इम्प्रॉपर, तो कैन वी कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर इंटू मिक्स फ्रैक्शन, तो वी विल गेट 2 1/16, ओके, 2 1/16। एक दो क्वेश्चन और देख ले हम लोग, सी डी नंबर, ओके, डिवाइड 12/1 1/5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर। ओके, सो विल गेट 12 / 6 × 1 × 5 = 6 × 5 + 1 = 6/5, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस वन इनटू इम्प्रॉपर रेसिप्रोकल, तो 5/6। नाउ टेल मी, क्या 6 से 12 टू टाइम्स में डिविजिबल है, हाँ, तो नाउ 5 × 2 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, ओके, क्लियर। ओके, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 1, जैसे किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो, सॉरी, किसी भी आंसर को 1 से डिवाइड करते तो आंसर क्या होता है, सेम आंसर आता है, उसी तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ओके, तो इफ वी विल डिवाइड दिस 7/25/1, वी विल गेट 7/25, ओके, विल गेट 7/25, 100/99 / 1, तो विल गेट 100/99, ओके, क्लियर। और किसी भी फ्रैक्शन को 0 से डिवाइड करते तो आंसर विल बी 0, क्लियर। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द एक्सरसाइज 8D, सो प्लीज़ गो थ्रू द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, थैंक यू।